प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सेम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, संविधान और सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई, आपके मकान, दुकान, खेत और खलियान पर है। सेम पित्रोदा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि आज पित्रोदा के बयान ने देश के सामने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है। साथियों, यहां सरगुजा में करीब 400 बसाहट ऐसी हैं जहां पहाड़ी कोरवा परिवार रहते हैं। पंडो, माझी, मझवार जैसी अनेक अति पिछड़ी जनजातियां यहां रहती है, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में भी रहती है। हमने पहली बार ऐसी सभी जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना भी बनाई है। इस योजना के तहत पक्के घर, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, ऐसी सुविधाएं पिछड़ी जनजातियों के गांव तक पहुंचेगी। साथियों, 10 वर्षों में भांति भांति की चुनौतियों के बावजूद यहां रेल, सड़क, अस्पताल, मोबाइल टावर, ऐसे अनेक काम हुए हैं। यहां एयरपोर्ट की बरसों पुरानी मांग पूरी की गई है। आपने देखा है, अंबिकापुर से दिल्ली के ट्रेन चली तो कितनी सुविधा हुई है। साथियों, 10 साल में गरीब कल्याण, आदिवासी कल्याण के लिए हमने इतना कुछ किया, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ट्रेलर आने वाले 5 साल में बहुत कुछ करना है। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहबीद परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले किया कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है, उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। भाइयों बहनों, हमारा देश संस्कारों से, संस्कृति से,
उपभोक्तावादी देश नहीं है। हम संचय करने में विश्वास करते हैं, संवर्धन करने में विश्वास करते हैं, संरक्षित करने में विश्वास करते हैं। आज अगर हमारी प्रकृति बची है, पर्यावरण बचा है, तो हमारे इन संस्कारों के कारण बचा है। हमारे यहां घर में बूढ़े मां बाप होंगे, दादा दादी होंगे, उनके पास एक छोटा सा भी गहना होगा ना, अच्छी एकाध चीज होगी तो संभाल करके रखेगी, खुद भी पहनेगी नहीं। क्यों? वो सोचती है मेरी पोती की जब शादी होगी तो मैं उसको दूंगी, मेरी नाती की जब शादी होगी तो मैं इसको दूंगी। यानी तीन तीन पीढ़ी का सोच करके वो खुद अपना हक भी नहीं भोगती, वो बचा के रखती है ताकि अपने नाते नाती को भी दे सके। ये मेरे देश का स्वभाव है। मेरे देश के लोग कर्ज कर करके जिंदगी जीने के शौकीन लोग नहीं है। मेहनत करके जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं और बचाने के स्वभाव के हैं। ये भारत के मूलभूत चिंतन पर, भारत के मूलभूत संस्कार पर ये कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोड़ा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है, इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। धन्यवाद। ग्रामीण भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।